शहर अनवर के आरज़ू करना, जिक्र तबा का बावजू करना, शहर अनवर के आरज़ू करना, और जिक्र तबा का बावजू करना, जिक्र तबा का बावजू करना, और मैं तो करता हूँ बात माँ के, मैं तो करता हूँ बात माँ के, तुम मदीने की गुफ्तगू तुम मदीने की गुफ्तगू करना। बहुत शुक्र देंगे मेरे बुजुर्ग, मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि मुझे सुनत मिल गई है बुझारी से। एक मतला नाते पाक का पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा हजरात। हुस्न सरकार की बात ही और है, बात ही और है, हुस्न सरकार की बात ही और है, हुस्न सरकार की बात ही और है, उनके दीदार की बात ही और है, उनके दीदार की बात सरकार की बात ही और है। यूं तो आए जमाने मिला को मगर, यूं तो आए जमाने तो आए जमाने में लाखों भगा। बहुत शुक्र। देखिए ये नौजवान भाई मुझे की दुआओं सुना रहे हैं। एक बात आपको बताता चलूं, मैं रोजर के मुशायरों में मेरी हाजिरी होती है, वहाँ नौजवान मुझे अपनी कोई अपना मोहब्बतों से नवाजते हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत देखिए अल्लाह कि मैं नाते पाक पढ़ रहा हूँ, ये नबी के इश्क में रुक करके सुन रहे हैं, अल्लाह इनका सुनना और मेरा पढ़ना कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। यूं तो आए जमाने में मगर, यूं तो आए जमाने में दाखो मगर, यूं तो आए जमाने में दाखो मगर, मेरे सरकार की बात ही और है। माशाल्लाह, मेरे सरकार की बात ही और है, उनके दी बात ही और है। हजरत हुस्न यूसुफ का चर्चा आप लोगों ने सुना होगा, तमाम शोरा इकराम ने अपने शेर कहे हैं हुस्न यूसुफ के ऊपर। फैसल ने एक शेर कहा है, वो शेर क्या है आप तक पहुंचाता हूं। अल्लाह फरमाए कि हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ का चर्चा बहुत है मगर, बात
दीदार की बात ही और बेटा ताली बजा रहे थे। सुभान अल्लाह कहिएगा, माशा अल्लाह कहिएगा, आप अपने अंदर वही तहजीब बरकरार रख। दोस्तों अगर नाते पाक किसी शेर का आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो इससे ये होगा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और आपके सवाब में इजाफा होगा। एक चीज मैं देख रहा हूँ, उधारी में मैं कहीं जलसों में जब जाता हूँ तो किसी किसी जगह पर नोट हिलते हैं, यानी जब अशार पड़े जाते हैं तो लोग गांधी जी से नवाजते हैं, और किसी किसी जगह मैं देखता हूँ कि लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं जब अशार सुनते हैं। लेकिन आज मैं उधारी में देख रहा हूँ हमारे जनपद करताब नाजी में जलसा साहब के यहाँ नोट भी हिल रहे हैं और होंठ भी हिल रहे हैं। अल्लाह सलाम अला रखे, बहुत शुक्रिया। मक्ता तक पहुँचाता हूँ अल्लाह फरमाए के हुस्न सरकार की बात ही और है, उनके दीदार की बात ही और है। जिनमें आता है फैसल मुहम्मद का नाम, मदीने का सफर कराऊं। इस वाले की आवाज बढ़ा दीजिए भाईजान। जनाब हजरत कारी राशिद साहब की सदारत में जलसा सजाया गया है, बहुत अच्छा चल रहा है। आइए हजरत की मौजूदगी में इस्लाहन मैं एक मतला चंद अशआर आप तक पहुंचाता हूं। कौन कौन मदीने का सफर करने के लिए तैयार है मेरे साथ हाथ उठाएं। इंशाल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब की हाजिर कबूल फरमाए। आमीन। मतला पेश करता हूं अल्लाह फरमाए। काशी इसमें तेरी दुआ में भी असर हो जाए, काशी इसमें तेरी दुआ में भी असर हो जाए, वादी
शहर मदीना से जो आती है सदा वादिये वादिये शहर मदीना से जो आती है सदा बनाते हैं आई बनाते हैं उल्टी करने की आदत है से एक शेर उनके कानों में डालता हमसे मत उल झोंके हम के हमसे मत बुल जो के अमरन के हम मत जिनके मेरा छोटा भाई हमसे आया अभी दुआओं से नवाज रहा है इसने हमसे भाई के हमसे मत बुल जो के अमरन के हम मत जिनके जवान भाई यहाँ तशरीफ फरमा है आज हमारी मस्जिदें बड़ी आलिशान नजर आती हैं।
लेकिन नमाजी वहां से गायब है। चार मिसरे सराहन देकर के जाता हूँ, याद फरमाए अगर अल्लाह से हम लोग कुछ फरियाद कर लेते, अगर अल्लाह से हम लोग कुछ फरियाद कर लेते, मुसीबत की घड़ी में दिल से उसको याद कर लेते, मुसीबत की घड़ी में दिल से उसको याद कर लेते। कमेटी की जाने से है या शायद मेरे नौजवान भाई मुझे एक पर्ची देकर के गए और इसमें लिखा है मैं मदीने जाऊं वाला। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे से एक नाक कहलवाई और मैं देखता हूँ कि जलसे में छोटे छोटे बच्चे से पढ़ते हैं जुमेरात के रोज मस्जिदों से उस नाते पाक की मुझे आवाज़ आती है घर पर। उस नाते पाक को अल्लाह ने मुझसे कहलवाया, आज बच्चे उसको पढ़ने में बड़ी खुशी होती है। उसी नाते पाक की फरमाइश मेरे एक नौजवान भाई ने की है, उलमा इकराम का इजाजत देंगे तो मैं पढ़ूंगा इरशाद। बहुत शुक्रिया। थकान तो बहुत है लेकिन थकान दूर हो गई आप लोगों की मोहब्बत लेकर के। मुलाजा फरमाए के मैं मदीने हम सब मदीने मुझको है मुश्किल बहुत तेरे लिए आसान है, तेरे लिए आसान है, और ये शरफ हासिल है मुझको,
अरमान है। अभी हमारे सामने एक मनवा एक बच्चा है, उसके ऊपर दस्तार रखी गई है, उस बच्चे ने कुरान करीम किया है, उसी को अपने जहन में रखे और फैसल मेथी के शेर सुने के मेरा मौला बख्श देगा सात पीढ़ी के मेरा मौला बख्श देगा सात पीढ़ी के गुनाह, सात पीढ़ी के हाजिर करता हूँ लाल समय मैं मदीने जाऊँ मौला दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। और नौजवानों बहुत गाने आपने सुने होंगे, एक शेर साथ में बैठ के आपको सुनाता है। कुछ लड़कों ने मोबाइल फोन रख के वीडियो बना रही है, स्टेटस में लगाने के लिए एक शेर उनको दे करके जाता हूँ लाल समय। जो नबी का हो गया समझो वो मेरा हो गया, समझो वो मेरा हो गया। ये बात कौन कह रहा है, जब मैं अगला निशान पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे। सजदे करो शराबत की चिलाई है। मैं और उस झाड़ी को अपने सहन में रख के, उस दूरी को अपने सहन में रख के फैसला मेथी के चार दूसरे शाद शराबत की चिलाई है, इनायत की चिलाई है, नहीं जिसकी कोई कीमत वो चार चलाई है, नहीं जिसकी कोई
कीमत वो चाहत खींच लाई है। Thank you.